और आने वाले दिनों में भोपाल वासियों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीदें हैं। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के दक्षिणी मध्य भाग में प्री मानसून का प्रभाव बनने से तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। छतरपुर के कोतवाली इलाके में रहने वाले एक साबुन व्यापारी के बेटे पर अज्ञात बदमाशों ने गोली चला दी। हालांकि गोली व्यापारी के बेटे के पास से निकल गई। बताया जा रहा है कि बदमाश पिछले कई दिनों से व्यापारी को धमकी देकर फिरौती की मांग कर रहा था। वारदात को अंजाम देने के कुछ वक्त पहले ही आरोपी ने व्यापारी को फोन पर धमकी देकर फिरौती की मांग की थी। हम दुकान पे बैठे थे, लड़का बैठा था, तो लड़का दुकान पे गद्दी पे बैठा था और हम बाहर खड़े हुए थे। इतने में दो लड़के आए, उनने सीधे लड़के के ऊपर गोली चलाई और गोली चला के वो सीधे निकाल लिए। कौन थे? अब वो लड़कों को हम नहीं जानते हैं। क्या जीन्स का पैंट और शर्ट पहने थे? चेहरे में कुछ लगाए थे? चेहरे में कुछ नहीं लगाए थे, साले साले से लड़के थे, दुबले पतले थे। क्यों आपके पास उन्हें फायरिंग, क्या कारण है? फायरिंग की कि उन्होंने 2 लाख रुपए की डिमांड की थी, कल हमने उनकी रिपोर्ट कर दी। हाँ। इसीलिए उन्होंने फिर हमारे ऊपर बोले, फोन आया उनका 10:30 बजे। हाँ। बोले अब हम देखते हैं, तो उन्होंने हमारी रिपोर्ट की है, अब हम तुमको देखते हैं। मुक्ति का फोन आया था हमारे। क्या है ये, उनकी रुपयों की मांग पूरी न होने के कारण ये घटना को अंजाम दिया गया है? पुलिस इस बात की जांच कर रही है, अपराध विश्लेषण कर रही है। निश्चित तौर पर आरोपी की।